Welcome to Fly High Academy. Today we learn chapter number 4 that is planning. अभी तक हम लोगों ने तीन चैप्टर कवर कर लिए हैं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड इज बिजनेस एनवायरनमेंट. आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है. प्लानिंग रिफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड बाय होम इट इज टू बी डन. देखिए इसका मतलब ये है कि प्लानिंग कौन करेगा ये हम एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हैं. प्लानिंग कौन करेगा, कैसे होगी, कब होगी और किसके थ्रू होगी. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग. प्लानिंग क्या करता है, जो गैप होता है हम आज कहाँ खड़े हैं और इन फ्यूचर हम कहाँ जाना चाहते हैं उसके बीच की जो भी प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि हमारी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और हम फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, तो इसके बीच की जो भी चीज़ें होती हैं दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. द फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग स्टार्ट्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग जो होती है वो ऑब्जेक्टिव से डिसाइड होती है, मतलब पहले आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्टिव. वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव. देखिए अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो आप क्या प्लान करेंगे. आफ्टर सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव प्लानिंग डिसाइड. जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं उसके बाद प्लानिंग में हमें डिसाइड करना रहता है कि हम कौन सा मेथड, कौन सा प्रोसीजर और कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. देन सेकंड पॉइंट इज प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर. जितने भी मैनेजर होते हैं सबके लिए फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि आप प्लान करिए. नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट प्लानिंग. देखिए कोई दूसरा फंक्शन जैसे कि मैनेजमेंट के और भी फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जब तक मैनेजर प्लान नहीं करेगा तब तक वो दूसरे फंक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आर सेट अप इन प्लानिंग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ही सेट होते हैं प्लानिंग में एंड अदर फंक्शंस डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ओनली. और जितने भी दूसरे फंक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं. देन हमारा थर्ड पॉइंट है परवेसिव. प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग जो होती है वो हर लेवल पे रिक्वायर्ड रहती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो, एंड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और वो सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रिक्वायर्ड रहती है. इट इज़ नॉट फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप लेवल मैनेजर ओनली, बट प्लानिंग इज डन बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल. देखिए ये फंक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल को करना है, बाकी के लेवल्स को नहीं करना. यहाँ पे हर एक लेवल पे प्लानिंग रिक्वायर्ड रहती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो. फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्लान एंड फ्रेमिंग ऑफ ओवरऑल पॉलिसीज इज द टास्क लेवल ऑफ मैनेजर. मैनेजर का टास्क क्या रहता है कि उसे मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना है. देन हमारा नेक्स्ट है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग. देखिए प्लानिंग इज ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड. प्लानिंग का मतलब ही ये होता है कि हमें आगे के बारे में सोचना है. प्लानिंग इज नेवर डन फॉर पास्ट. ये कभी भी पास्ट के लिए नहीं होगी. जो चीज़ हो चुकी है आप उसके लिए कभी प्लान नहीं करते, आप हमेशा आने वाली चीज़ों के लिए प्लान करते हैं. ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक प्रिडिक्शन एंड अजम्पशन फॉर फ्यूचर. जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन और अजम्पशन करते हैं. और उनके अजम्पशन किस बेसिस पर रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस. मैनेजर के पास्ट एक्सपीरियंस पे जितनी भी प्लानिंग होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है. देन हमारा टॉपिक है प्लानिंग इज कंटिन्यूस. प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो वन हैज़ टू बी टच विद चेंजेस इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इन सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वे. देखिए जैसे कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही डायनेमिक होता है, वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है. तो प्लानिंग भी क्या होती रहती है, अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट प्लानिंग इज ऑल्सो चेंजिंग. सो वी कैन से प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि हम उसे कभी भी ब्रेक नहीं करते, वो चलती ही रहती है. जैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो हमारे प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स ये भी चेंज होते रहते हैं. सो आफ्टर मेकिंग प्लान्स ऑल्सो प्लानर कीप चेंज इन द प्लान्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी. और बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं इसलिए भी हमें प्लानिंग को चेंज करना रहता है. देन सिक्स्थ पॉइंट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर
अवेलेबल। देखिए प्लानिंग फंक्शन कब होता है, जब हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं एंड वी हैव टू सेलेक्ट मोस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव। जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहते हैं तो हमें उसमें से कोई एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना रहता है, दैट इज कॉल्ड डिसीजन, कि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और हमें बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ च्वाइस। अगर कोई च्वाइस ही नहीं होगी तो उसमें आपको प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टेक्नोलॉजी परचेज करनी है जो आप सिर्फ स्टेट के थ्रू ही कर सकते हैं, तो आपके पास वहाँ कोई च्वाइस नहीं है, वो टेक्नोलॉजी आपको स्टेट के थ्रू ही करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं आपके पास अगर 5 से 6 बायर्स का ऑप्शन रहता तो आप बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते, देन यू कैन गो फर्दर। अब हम देख लेते हैं कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, इट प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉइज। प्लानिंग मेक्स क्लियर वॉट एम्प्लॉइज हैव टू डू एंड हाउ टू डू इट। देखिए प्लानिंग जो होता है वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं तो वो क्या करता है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको कौन सा काम परफॉर्म करना है, बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क हैज़ टू बी डन। देखिए एडवांस में पता चल जाता है कि हाउ वर्क हैज़ टू बी डन, काम कैसे होगा। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। जैसे कि हमने देखा प्लानिंग जो होता है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, तो वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए होता है। जब वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए होता है तो वो एक मैनेजर को डायरेक्ट करता है कि उसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसे कैसे चीज़ें किससे परफॉर्म करवानी है। जैसे कि हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन में देखा है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर। मैनेजमेंट आर्ट होता है जो दूसरों के थ्रू काम करवाता है। तो मैनेजर को प्लानिंग के थ्रू पहले से ही पता चल जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और किससे कैसे काम करवाना है। एम्प्लॉयज़ नो इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क। एम्प्लॉयज़ को भी पहले से पता रहता है कि वे किस डायरेक्शन में काम करेंगे। देन सेकेंड इज़ प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फेस मेनी अनसर्टेनिटीज़ एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस एवरी डे। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस जो होती हैं वो मैनेजर को डे टू डे अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करनी ही रहती हैं। प्लानिंग हेल्प द मैनेजर। प्लानिंग क्या करता है, मैनेजर की हेल्प करता है कि उन अनसर्टेनिटीज़ को कैसे फेस किया जाए, क्योंकि हम पहले से ही प्लान कर लेते हैं। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट को हम पहले से ही स्कैन कर लेते हैं और मैनेजर्स के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड इज प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग का मतलब है रिपीटेशन। अगर हम कोई भी चीज़ प्लान नहीं करेंगे तो एक्टिविटीज़ रिपीट हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को पता ही नहीं होगा कि उसे करना क्या है। प्लानिंग में ही हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, तो अगर एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होगा कि उन्हें करना क्या है तो एक्टिविटीज़ ओवरलैप हो जाएंगी। तो प्लानिंग क्या करता है, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देता है। द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर मेड कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स बनते हैं वो हमेशा डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए बनते हैं। द डिपार्टमेंट प्लान्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम मेन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। और डिपार्टमेंटल प्लान कहाँ से बनते हैं, जो मेन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी कोऑर्डिनेशन। इसीलिए क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है। देन फोर्थ पॉइंट इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। प्लानिंग जो होता है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस रिफर्स टू प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। सो देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज़, बेटर मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। देखिए एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे वे हो सकते हैं परफॉर्म करने के, तो आप उसमें से बेस्ट सूटेबल वे फाइंड करो कि आप उस जॉब को कैसे परफॉर्म करोगे। प्लानिंग प्रोसेस फोर्सेस मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली। देखिए प्लानिंग प्रोसेस इसलिए ही होती है कि हर एक मैनेजर डिफरेंटली सोचे, टू थिंक डिफरेंटली एंड अज्यूम द फ्यूचर कंडीशंस, और फ्यूचर कंडीशंस को अज्यूम कर ले। सो इट मेक मैनेजर टू इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो उसके लिए मैनेजर को इनोवेटिव एंड क्रिएटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी चाह रही है कि फ्यूचर में उसे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी कंपनी फ्यूचर में एक्सपेंड करेगी तो उसके क्या क्या वेव्स हो सकते हैं, कि हमें प्रोडक्ट वैरायटी ज़्यादा लानी चाहिए,
हमें मार्केट रिसर्च करनी चाहिए, ये सारी चीजें प्लानिंग में आती है। देखिए प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, अगर आप अच्छे से चीजों को प्लान करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज जनरेट होंगे कि हमें एक चीज को कैसे कितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। देन फिफ्थ इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। कैसे? प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेक वेरियस डिसीजन एज इन प्लानिंग गोल्स आर सेट इन एडवांस एंड प्रेडिक्शन आर मेड फॉर फ्यूचर। देखिए प्लानिंग गोल्स में क्या होता है कि हमें एडवांस में सेट करना रहता है, लेकिन प्रेडिक्शन हमेशा फ्यूचर के लिए करना रहता है। दीज प्रेडिक्शन एंड गोल्स हेल्प द मैनेजर टू टेक फास्ट डिसीजन। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और हमें बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना रहता है। तो प्लानिंग क्या करती है, अगर हमारे पास 5-6 च्वाइसेस हैं, इफ़ वी हैव 5-6 च्वाइसेस, देन वी हैव टू सिलेक्ट वन बेस्ट सूटेबल ऑप्शन। तो दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग, कि वहाँ पे प्लानिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग, प्लानिंग स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग को भी इस्टेब्लिश करता है। कंट्रोलिंग मीन्स कंपेरिजन बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल आउटपुट, एंड इफ देयर इज इन वेरिएशन बिटवीन बोथ देन फाइंड आउट द रीजन फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग मेजर टू मैच द एक्चुअल आउटपुट विद प्लान। देखिए कंट्रोलिंग में क्या रहता है कि हम वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो जो प्लानिंग में हमारे स्टैंडर्ड सेट होते हैं और एक्चुअल में हमारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्म होता है, मतलब जो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, टास्क डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा ये टास्क है, और जब वो एक्चुअल में परफॉर्म होता है तो उसके बीच के अगर कोई डेविएशन आता है तो हमें कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, प्लान्ड एक्टिविटी और एक्चुअल आउटपुट इन दोनों को कंपेयर करता है। अगर उसमें कुछ वेरिएशन कुछ डेविएशन आते हैं तो हमें प्रॉपर मेजर्स लेते हैं कि अगर आपने ये वर्क सही से परफॉर्म नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। बट इन केस देयर इज़ नो प्लान आउटपुट देन कंट्रोलिंग मैनेजर विल हैव नो बेस टू कंपेयर। लेकिन अगर हम कुछ प्लान ही नहीं करेंगे, हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा कि हमें इतनी चीज़ें इतना आउटपुट जनरेट करना है वन मंथ में, तो हम किस से एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करेंगे। और हमें ये भी समझ में नहीं आएगा कि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है वो एडिक्वेट है कि नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग क्या करता है, रिजिडिटी की ओर हमें ले जाता है। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर मे नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज देम। देखिए एक बार प्लान डिसाइड हो जाते हैं फ्यूचर्स के लिए तो मैनेजर इस पोजिशन पर नहीं होता कि वो उसे चेंज कर पाए। फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान वेन सर्कमस्टेंसेज आर चेंज्ड मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए क्या होता है, सर्कमस्टेंसेज जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और अगर हम पुराने वाले प्लान को ही फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगे, हमारी प्लानिंग जो होगी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है प्लान लीड्स टू रिजिडिटी। प्लान कहीं ना कहीं हमें रिजिडिटी, प्लानिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें रिजिडिटी की ओर ले जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट बोलता है वही लोअर मैनेजमेंट को फॉलो करना रहता है। मतलब कि जितने भी ब्रांच हेड्स हैं, जो टॉप मैनेजर बोलते हैं वही उनको फॉलो करना रहता है। हालांकि वो जानते हैं कि इस ओकेशन पे अगर हम प्लानिंग को थोड़ा सा चेंज कर दें तो हमारे रिजल्ट जो होंगे वो बेटर आ सकते हैं, बट क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने ऑलरेडी वो प्लानिंग कर ली है, इसीलिए वो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाते। देन सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक एज देयर आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। प्लान में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ही डायनेमिक रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ इकोनॉमिक पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते ही रहते हैं, जिस कारण से प्लानिंग उस एनवायरनमेंट में वर्क नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल जब नेस्ले आई थी तब उसकी जो मैगी नूडल्स थी वो बहुत चल रही थी, लेकिन जैसे ही उस पर पॉलिटिकल और लीगल रिस्ट्रिक्शन लगा तो उसकी जो सेल है वो ख़त्म हो गई। देन थर्ड इज इट रिड्यूस क्रिएटिविटी विद द प्लानिंग द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडिटी। देखिए जब भी प्लानिंग के साथ क्या होता है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है उसे रिजिडिटी में वर्क करना रहता है, एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ प्लान। तो जैसा प्लान में होता है उसको वैसे ही फॉलो करना रहता है। The manager do not take any initiative to make changes in the plan.
मैनेजर अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है प्लान को चेंज करने के लिए, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है तो मैनेजर अपनी तरफ से प्लान को चेंज नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं इससे उसकी क्रिएटिविटी क्या होती है, रिड्यूस होने लगती है। इसका एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसे पता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करें तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन टॉप मैनेजर ने वही चीज़ें फॉलो करी हैं तो हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी को इंक्लूड नहीं कर सकते। देन फोर्थ इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनी नीड्स टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। देखिए, प्लानिंग प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कंपनी क्या करती हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं प्लान करने के लिए। जब वो एक्सपर्ट्स को हायर करती हैं तो उनकी कॉस्ट ही, उनकी सैलरी या उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा रहती है कि जो हमारी प्लानिंग होती है वो बहुत ही कॉस्टली हो जाती है। स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑन प्लानिंग एंड मोर एक्सपेंस इन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं थ्रू प्राइमरी डेटा, तो कहीं ना कहीं उसमें जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी। देन फिफ्थ इज, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स रहते हैं तो हमें हमारा टाइम कंज्यूम होता है कि हम कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करें। प्लानिंग प्रोसेस इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक लॉन्ग टाइम टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव्स, क्योंकि हमें बहुत सारा टाइम लगता है कि हम हर एक ऑल्टरनेट को इवेल्युएट करें, देन उसमें से कोई एक बेस्ट को सेलेक्ट करें। हम टाइम कंज्यूमिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक हेल्थ कंपनी है, उसको 25 कैंप ऑर्गेनाइज करने हैं, बट टॉप मैनेजमेंट की तरफ से वो जो अप्रूवल है वो एक दिन, कैंप के एक दिन पहले आया कि हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं था कि आप 25 कैंप्स को ऑर्गेनाइज करें, तो इन दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज ओनली 5 कैंप। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, इसीलिए जो हमारे कैंप्स थे वो 25 से रिड्यूस होकर 5 पे आ गए। देन सिक्स्थ इज, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। समटाइम मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट प्लान्स हैव वर्क्ड सक्सेसफुली इन पास्ट, सो दीज विल बी वर्किंग इन फ्यूचर ऑल्सो। कभी कभी मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि जो काम, जो प्लान हमने लास्ट ईयर किया था, वही प्लान हमारा आगे इन फ्यूचर के लिए भी वर्क करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन्फ्लेशन है, हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि इन्फ्लेशन 5% जाएगा, लेकिन इन्फ्लेशन 10% चला गया, तो वहाँ पे हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि प्लानिंग जो होती है वो हमेशा आपको सक्सेस की ओर ही ले जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।